इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। मेहनत करे छे अने छोकरों ने अभ्यास कर। नमस्कार, मैं धनोली प्राथमिक शाला तहसील पादरा जिला वडोदरा गुजरात के शिक्षक गण की ओर से विक्रम सिंह कड़ियर आरजेएस के इस राष्ट्रीय वेबिनार के मंच पर सकारात्मक कार्य के बारे में आप सभी का अभिवादन करता हूं। हमारा गांव जो कि बड़ौदा जिला का सबसे अंतरियाल विस्तार का अंदरूनी गांव है, इस गांव में जब से शिक्षिका बन के मधुबहन आए हैं तब से करीबन 15 सालों से सकारात्मक कार्य की ज्योत जगाई है। उनके सकारात्मक कार्य से गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बच्चों के शिक्षण कार्य, कपड़े पहनने के ढंग में भी, खाने पीने के ढंग में, उठने बैठने की रीत में, बोलचाल की रीत में, सभी कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हमारा देश आज 75वीं जन्म जयंती का अवसर मना रहा है, तब पूरे देश में एक सकारात्मकता का आंदोलन चल रहा है। सकारात्मकता का आंदोलन के अंदर हमारी धनौली प्राथमिक शाला की मधुबहन ने अपनी ज्योत जगाई है, इसके लिए मैं इसका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते जी, मैं आपकी मधुबहन राठौर गुजरात से प्राइमरी टीचर बरोड़ा पादरा 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार का मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत के आंदोलन और सकारात्मक कार्यक्रम में भारत के प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन का आगे बढ़ाया इस कार्यक्रम में भारत के महापुरुष जिनके नाम पर आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दोषी थे, उन्हीं में मैं मदर टेरेसा के बारे में बात करूंगी और कहूंगी कि मानवता की सेवा में जान मानी हस्ती मदर टेरेसा जिनका नाम लेते ही मैं मन की भावना उम्र में लगती है। मानवता की जीती जागती मिसाल वे मानवता की सेवा के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा भिन्न दुखियों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई
इस संसार में सबसे प्यारा।